हेलो एवरी वन लेटस कंटिन्यू लेसन हैरिस काइट टिक द नाउन वट इज़ नाउन अ नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस अ पर्सन एन एनिमल और अ थिंग नाउन किसे बोलते हैं किसी पर्सन किसी व्यक्ति एनिमल किसी जानवर किसी बर्ड थिंग किसी चीज किसी व्यक्ति किसी चीज किसी जगह या किसी जानवर या पक्षी के नाम को हम नाउन बोलते हैं टिक द नाउन प्ले बॉल रन अब इसमें जो बॉल है ये नाउन है बॉल इज द नेम ऑफ अ थिंक पेंसिल क्राई सिट अब इसमें जो पेंसिल है इसको हम टिक करेंगे टिक द पेंसिल बिकॉज इट इज द नेम ऑफ अ थिंग सिंग हाउस डांस टिक हाउस इट इज अउन बिकॉज हाउस इज अ नेम ऑफ अ प्लेस नेक्स्ट स्विम लाव वी है कार इट इज अ थिंग ने लास्ट वन टॉमी राइट ड्रॉ टॉमी जो है एक पर्सन का नेम है तो हम टॉमी को राइट करेंगे कॉम्पोजिशन फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स टू कंप्लीट द पैराग्राफ अब हमने ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है इन वर्ड्स की हेल्प से लेट अस स्टार्ट लिसन वेरी केयरफुली बी केयरफुल वाइल राइट बी केयरफुल वाइल रीड। One day, the bear, the rabbit, and the turtle went fishing. They saw the shadow of the moon in the lake. They thought the moon had fallen into the water. They decided to catch the moon in their net. The wise owl and the ड्स सॉ देम दे बिगेन टू लाव एट देअर फुलिशनेस वन डे द बीयर एक दिन भालू द रेबिट खरगोश एंड द टर्टल बेंट फिशिंग एक दिन भालू खरगोश टर्टल कछुआ कहाँ गए फिशिंग के लिए चले गए मछली पकड़ने चले गए एक दिन भालू खरगोश और कछुआ मछली पकड़ने के लिए चले गए फिशिंग करने के लिए चले गए दे सॉ द शेडो ऑफ द मून इन द लेक अब लेक में पानी होता है वहाँ उन्होंने क्या देखी मून की शेडो देखी चांद की चंद्रमा की परछाई देखी दे थाट द मून हैड फॉलन इन टू वाटर उनके क्या सोचा क्या समझ आया क्या विचार आया कि जो मून है वो पानी में गिर गया है दे डिसाइडेड टू कैच द मून इन देयर नेट अब दे डिसाइडेड अब उन्होंने क्या सोचा भालू खरगोश और टर्टल ने क्या सोचा क्या डिसाइड किया क्या इरादा बनाया क्या विचार किया कि हम चाँद को अपने नेट में पकड़ लेंगे कैच मीनस पकड़ना द वाई साउल एंड द अदर बर्ड सॉ दम वाई साउल होता है एक बहुत ही समझदार जो उल्लू है और कुछ और पक्षी उन्हें देख रहे थे दे बिगेन टू लाफ एट देयर फुलिशनेस अब वो सब इनकी मूर्खता पर हंसने लगे कि चांद को तुम अपने नेट में कैसे पकड़ लोगे होप यू हैव लिसन वेरी केयरफुली दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी थैंक यू टेक केयर